अशोकनगर में कलेक्टर के द्वारा मुख्य मार्गों से गोवंश को हटाने के निर्देश के बाद नगरपालिका ने मुहिम शुरू कर दी है। नगरपालिका के द्वारा 15 दिन में मुख्य मार्गों पर बैठने वाले सभी गोवंश को हटाया जाएगा और इन गोवंश को रखने के लिए 3 गौशालाओं का चयन किया गया है। वहां पर सभी को भेजा जाएगा। आदेश के बाद से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मुख्य मार्गों से पशुओं को हटाने की कवायद शुरू। कलेक्टर बोले, 15 दिन में सड़कों से हटाएंगे। गोवंश शहर के पास 3 गौशालाओं में भेजेंगे। शहर के मुख्य मार्गों पर रात के समय आवारा गोवंश बैठे होने की वजह से कई हादसे हुए हैं, जिनमें कुछ गोवंश की भी मौत हो गई है, जबकि कई वाहन चालक भी गोवंश से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। आए दिन बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए कलेक्टर ने शनिवार को आदेश जारी किया था। नगर पालिका ने रविवार के दिन से सभी गायों को सड़कों से हटाने का काम प्रारंभ कर दिया है। नगर पालिका CMO प्रियंका सिंह ने बताया कि सड़कों से गोवंश को हटाने की रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन कलेक्टर का आदेश आने के बाद अब इन्हें जल्द हटाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि फसलें काटने के बाद जब ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गोवंश आएंगे तो फिर भी हटाना पड़ेगा। आसपास की टीम गौशालाओं का चयन किया गया है, उनमें मुख्य मार्गों पर बैठने वाले सभी गोवंश को भिजवाया जाएगा। अगर जो गोवंश सड़कों पर बैठे रहते हैं उनकी कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जैसे ही वह गौशाला में पहुंच जाएंगे तो उनका समय समय पर ध्यान रखा जाएगा, जिसकी वजह से लंबी वायरस संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो समय पर उपचार भी मिल सकता है, क्योंकि पड़ोस के जिलों में शिवपुरी में ही लंबी वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण अब अशोकनगर में अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है।